हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे तो देखिए फ्रेंड्स आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है ऐसे हमें नेक में ड्रेस पहनानी है फिर नीचे से हम ले जाएंगे और ये मैंने देखिए टिप टिपट बटन लगाया है इसको हम बंद कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस बनाई है और आप देख सकते हैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लुक बहुत अच्छा आया है पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ तो देखिए पीछे की तरफ से ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जैसे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम चलिए आदिकल्चरल बॉल्ट 268 साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी काना जी की न्यू डिजाइन ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये बचा हुआ आधा रुमाल ले लिया है आधे रुमाल से मैंने कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई थी और आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है तो जो एक रुमाल है वो आठ रुपए का था तो बीच में से मैंने इसको आधा कर लिया था चार रुपए के रुमाल से मैंने ये पोशाक बनाई थी और बचा हुआ जो रुमाल है ये भी लगभग चार रुपए का पड़ेगा तो इससे मैं कान्हा जी की दूसरी पोशाक बनाना आपको बताऊंगी इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो साढ़े नौ इंच यानी नाइन पॉइंट फाइव इंच है और इधर से जब हम चौड़ाई देखेंगे तो ये पांच इंच यानी कि फाइव इंच आ रही है अब हमें क्या करना है देखिए बीच में से हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार फोल्ड किया हमने फिर हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे तो टोटल दो बार मैंने फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद अब यहां से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है तो हमें एकदम इसको बराबर करके रखना है और अब हम यहाँ जो सेंटर है इस पे नेक पे मार्किंग करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है बहुत बड़ा नेक हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ये जो रुमाल का कपड़ा होता है ना ये फैलने वाला होता है तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा नेक कट कर लेंगे तो फिर कान्हा जी के लिए ड्रेस ढीली हो जाएगी एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने रूमाल का यूज़ करके ड्रेस बनाई है आप चाहें तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं गर्मियाँ आ रही हैं तो आप कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं अस्तर का फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर आप वेलवेट के कपड़े से भी कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं तो मैंने छोटा सा नेक ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको कट करेंगे अगर आपको नेक छोटा लगता है तो बाद में आप इसको बड़ा कर सकते हैं पर पहले ही बड़ा नेक कट कर लेंगे तो फिर ड्रेस ढीली हो जाएगी तो इसीलिए शुरू में छोटा सा नेक कट करें मैंने यहां पे देखिए कटिंग कर ली है और अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें किनारे से भी मार्किंग करनी है तो यहां नीचे की तरफ से हमें ये देखिए लगभग पौने एक इंच मैं आपको पास से बताती हूँ देखिए ये हाफ इंच है और ये वन इंच है तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम पॉइंट सेवन फाइव इंच यानी कि पौने एक इंच कहते हैं यहाँ पे हमने मार्किंग करी है आप हाफ इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं अब यहां से हम ऐसे लेके आएंगे गोलाई देते हुए और यहाँ पे लाकर मिला लेंगे इस तरीके से देखिए मैंने ऐसे मार्किंग करी है अब हम इसको कट करेंगे तो एकदम बराबर हमें कट करना है ऐसे करके कटिंग कर ली हमने और कट करने के बाद अब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा मुझे इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसीलिए मैं इसको कम करूँगी क्या करेंगे हम फिर से वैसे ही फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद अब हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे और यहां से ऐसे मिला लेंगे फिर हम इसको कट करेंगे आप पहली बार में ही हाफ इंच पर मार्किंग करके कट कर लें कट करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब हमें कान्हा जी को ले लेना है और ऐसे हम नेक पहनाकर देखेंगे देखिए इजीली मैं कान्हा जी को पहना पा रही हूं और ये ढीला भी नहीं है ना ही टाइट है आप अगर कान्हा जी को पहना रहे हैं और उसके बाद आपको नेक जो है वो छोटा लग रहा है तो आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तो देखिए इंटरलॉक हुआ है तो यहाँ से हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है लेकिन किनारे से हमने कटिंग की है तो इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे हमें पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ से एक बार फोल्ड करके और सिलाई लगा ली है आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है पर अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं तो अगर फोल्ड करते समय थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब हम इसमें लेस लगाएंगे ना तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ रहेगा या टेढ़ा भी फोल्ड हुआ रहेगा तो वो अपने आप ढक जाएगा तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अब मैंने ये व्हाइट कलर की थ्रेड लेस ले लिया है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेस है इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी कॉटन के फैब्रिक से जब हम ड्रेसेस बनाते हैं से बनाते हैं तो इस तरह की जो लेसेस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से कोई दूसरी लेस भी लगा सकते हैं अब हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहां तक लगा लेना है दोनों तरफ से मैंने देखिए इसमें लेस भी लगा लिया और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लेस लगाने के बाद इसमें और भी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आई है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है अब हमने ये जो लेस किनारे से लगाई है सेम वही लेस हमें नेक के चारों तरफ से भी लगा लेनी है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने नेक पे भी लेस लगा ली और आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब लास्ट में हमें इसमें टिप टिपटैप बटन लगाना है तो मैंने ये एक टिप टिपट बटन ले लिया है तो एक पीस इसका जो है ओपन करने के बाद हम यहाँ लगाएंगे और जो दूसरा पीस है वो हम यहाँ पीछे की तरफ से लगा लेंगे अगर आपके पास टिप टिपट बटन नहीं है तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं टिप टिपटैप बटन लगाने के बाद अब कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार है